Live, a platform to sharing your thoughts. गुलाबी नगर में एक बार फिर से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह है छठा एडिशन था। इसमें देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, साथ ही फिल्म मेकिंग से संबंधित जो विधा है उस पर चर्चा के लिए यहाँ विशेषज्ञ आए। इसके आयोजक स्वामिंद्र हर्ष हमारे साथ हैं, जो बताएंगे इस बार क्या खास बात रही इस पूरे फेस्टिवल की। जी, मैं सुमेंद्र हर्ष, फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और जैसा आपने बताया कि हमारा ये 6th एडिशन है जिसका हम आयोजन कर रहे हैं। रिफ फिल्म क्लब एक हमने संस्था बना रखी है जिसके अंतर्गत पूरे साल हम फिल्म स्क्रीनिंग, टॉक शो, इस तरह का आयोजन करते हैं। और इस 6th एडिशन के अंदर इस बार जो हमारी थीम है, जो कि सेंट्रली फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उनकी थीम होती है, जैसे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, उनकी इस बार की थीम है 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। तो इसके ऊपर हमने स्पेशल एग्जीबिशन का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया है, जहाँ पर 150 ईयर्स ऑफ गांधी के पोस्टर्स और उसकी प्रदर्शनी रखी है। दूसरा इसी थीम में है 5 ईयर्स ऑफ रिफ, जो 5 साल तक हमारी फिल्में प्रदर्शित हुई है उनके भी हमने पोस्टर प्रदर्शनी की है। सबसे बड़ी खास इस बार इस फेस्टिवल में ये रहती है कि ये फेस्टिवल इस साल हमें फिल्म फेडरेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया से एक्रेडिट मान्यता प्राप्त है। इस मान्यता प्राप्त से ये होता है कि हम एक ओपन फोरम का आयोजन करते हैं, जो विश्व के जितने बड़े फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनमें एक ओपन फोरम का आयोजन होता है जिसपे चर्चाएँ होती है और जितने बड़े आने वाले कलाकार हैं, जनरेशन है, उनको मौका दिया जाता है। इस कैटेगरी के अंदर जैसे हमने बताया कि इनक्रेडिबल इंडिया हमारा सपोर्टर है और राजस्थान टूरिज्म ने हमें सपोर्ट किया है, जिससे हम इस फेस्टिवल के थ्रू आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। इस बार जो साउथ कोरिया हमारी फोकस कंट्री है, जिसमें हमने साउथ कोरिया दिल्ली कोरियन कल्चर सेंटर को आमंत्रित किया है, जिनमें वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, कोरियन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर हैं मिस्टर किम, उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में अपनी उपस्थिति दी थी। और उन्हीं एम्बेसी ने सियोल कोरिया से मिस्टर जिन एंड उनकी वाइफ जो कि डायरेक्टर हैं, उनकी 2 स्पेशल डॉक्यूमेंट्री हमने स्पेशल स्क्रीनिंग की है। 5 दिन तक साउथ कोरिया की टीम यहाँ पे है, राजस्थान में है, पूरा इस तरह वो कर रहे हैं कि वो किस तरह आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा दे सके और राजस्थान और कोरिया के साथ किस तरह से अच्छे संबंध कर सके, जिसको उसमें प्रचार और प्रसार हो सके। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के साथ में फिल्म डिवीज़न से हमें फिल्में मिली है, जिसमें हम शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन करीब 72 के करीब हमने फिल्में की है। 2 स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है हमने, जिसमें 2016 के अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड धनक था उसका हमने स्पेशल स्क्रीनिंग रखा है, और महात्मा गांधी के ऊपर हमने एक फिल्म से वो स्पेशल स्क्रीनिंग की है। और लास्ट कल हमने जो 22 तारीख को इवनिंग के अंदर अवार्ड सेरेमनी रखी है, जिसमें जितने भी फिल्में जूरी ने देखी है उन सभी फिल्मों को एक सम्मान दिया जाएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। इसके अंदर हमने 5 से 7 स्पेशल कैटेगरी रखी है, जिसमें हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कल राहुल रवेल जो हैं फिल्म निर्माता उनको दे रहे हैं। हमने प्राइड ऑफ राजस्थान जो है वो हम गुलाब सिंह जी हैं जो हमारे राजस्थान से हैं, तो उनको अवार्ड दिया जा रहा है। स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल सिनेमा मिस्टर जिन जो साउथ कोरिया से आ रहे हैं, उनकी 2 फिल्में हो रही है, उन्हें हम इंटरनेशनल अवार्ड भी दे रहे हैं। और हसद जयपुरी अवार्ड है वो रेखा राव है, जिन्होंने अपने राजस्थान से होके बॉलीवुड में अपनी प्रस्तुति दी है। तो इस तरह कुछ हमने अवार्ड रखे हैं जो हम वहाँ पे दिए जाएंगे, जो राजस्थानी सिनेमा पे भी होंगे, हिंदी सिनेमा पे भी हो, इंटरनेशनल सिनेमा पे। कई विषय पर चर्चा हो रही है, रीजनल सिनेमा की बात करो और आपने एक सेशन राजस्थानी सिनेमा के लिए रखा भी, तो इसका आउटकम क्या रहा? क्योंकि राजस्थानी सिनेमा पिछले कुछ समय पर से एक तरह से साइलेंट है, कोई ऐसा क्रिएटिविटी, ऐसा कोई बड़ा नाम कोई फिल्म का उभर के नहीं आया। जबकि पहले देखा जाए तो अगर 80 के दशक में, 90 के दशक में कुछ मूवीज़ आती थी और हिट भी होती थी, लेकिन अभी पिछले एक दशक से बहुत कम फिल्में बन रही हैं। सर, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है राजस्थान और एक होता है राजस्थानी भाषा। दोनों चीज़ों में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, जो हमारा फिल्म फेस्टिवल या वार्ता की बात करें या इस फेस्टिवल से किस तरह हम अपने राजस्थान को कर सकते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो पिछले 3 सालों में जो भी हमने फिल्में जो राजस्थान पे बेस बनी है, जैसे मैंने धनक फिल्म का आपके पास किया, पार्ट्स फिल्म जो थी अभी उसका जो मैंने जिक्र कर रहा हूँ, लास्ट ईयर जो हमने स्क्रीन की थी टर्टल कछुआ, जिसको इस बार नेशनल अवार्ड, ये सभी राजस्थान की पृष्ठभूमि की फिल्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थानी भाषा की फिल्म है, तो ऐसा नहीं है कि राजस्थानी भाषा सही है, उस पर एक बहुत बड़ा एक डिस्कस होता है, वार्ताएं होती है। जब भी हम बात करते हैं आदमी एक ही बोलता है कि हर 10-20-30 किलोमीटर पे भाषा, ऐसा नहीं, ये सब जगह आप गुजरात में जाएंगे यही हाल है, किसी भी स्टेट में जाएंगे
जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो कंटेंट होता है। तो मैं यही अपने फिल्म मेकर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 3-4 फिल्में बनी है, धनक है, पार्ट्स है और ये टर्टल है, ये अपने राजस्थान को डिफाइन करती है। तो इस तरह की अगर हमारे पास कंटेंट हो तो हम ज़रूर उसको अगर भाषा में भी उसको ऐड कर लें, राजस्थानी भाषा आ जाए, तो वो बहुत अच्छा एक राजस्थान का नाम भी हो सकता है और राजस्थानी सिनेमा जो लोग हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन, लोकेशन, वो सभी बहुत तरीके से हो सकती है। City Live, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं गुलाब सिंह जो प्रोड्यूसर हैं और इनके साथ साथ व्यवसायी भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कैसा अनुभव रहा यहाँ इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का? देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। दो साल पहले हमारी एक पिछली फिल्म थी पास्ट, जो लीना ने डायरेक्ट की थी और उसमें तनिष्ठा, राधिका और सुरवीन, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और बहुत अच्छे इंटरनेशनल उसको अवार्ड्स भी मिले और बहुत सराहना मिली। वो फिल्म यहाँ पे शोकेस की गई थी और चूंकि मैं यहीं जयपुर की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, यहीं एक अपनापन है, जुड़ाव है, तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सोमेंद्र और अंशु जिस तरीके से, जिस डिवोशन से और डेडिकेशन से लग के और राजस्थान के में फिल्म के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। तो इसलिए हम लोग तुरंत के दौड़ के चले आते हैं जब भी ये फेस्टिवल होता है। सर, आप एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इसके साथ फिल्म मेकिंग, ये बिल्कुल डिफरेंट से फील्ड हैं, तो कैसे आप इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा पाते हैं और शौक को आप साध रहे हैं, इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो कुछ है चीज़ें वो डेस्टिनी से चलती है, अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैं मूलतः पायलट हूँ, यहीं पे राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल से मैंने फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत की थी और फिर भोपाल से जाके मेरा पायलट लाइसेंस मिला। उसके बाद मैंने इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करी और नौकरी छोड़ के मैंने यही एविएशन का व्यवसाय शुरू किया और अभी हम लोग चार्टर सर्विस चलाते हैं, विमान और हेलीकॉप्टर हम ऑपरेट करते हैं और जितने भी बड़े राजनेता और बड़े व्यवसायी, विदेशी डेलीगेट्स जो आते हैं उनको लाना ले जाना, मेडिकल एम्बुलेंस फैसिलिटीज, ये सब सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी व्यवसाय के साथ और एयरलाइंस में नौकरी करते हुए मेरा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से वाकफियत हुई, उनके साथ काफ़ी उठना बैठना रहा, मिलना जुलना रहा और इसमें बहुत मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। जब मेरा ये व्यवसाय मैंने प्रारंभ किया, हेलीकॉप्टर ने चार्टर देना शुरू किया, ये वो दौर था जब एरियल फोटोग्राफी का बहुत रिक्वायरमेंट होती थी। उस दौरान में कई बड़ी फिल्में, उनमें से एक मैं बताना चाहूँगा गदर एक फिल्म थी जिसमें कि बहुत एक्सटेंसिवली हेलीकॉप्टर यूज हुआ, कोई मिल गया, और भी कई फिल्मों में सोल्जर, इन सब में हमारे हेलीकॉप्टर ये लोग लेते रहे और इनसे जुड़ाव बढ़ता रहा। फिल्म मेकिंग कैसे होती है, क्या कैसे उसकी मार्केटिंग होती है, वो थोड़ा एक बिजनेस एक्यूमेन भगवान ने मुझे दिया है, तो उसको मैं धीरे धीरे सीखता रहा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ के मैंने 2012 में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत करी और सबसे पहली जो फिल्म मेरी बन के आई बाहर वो थी 3, जिसमें बच्चन साहब, हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के मेगास्टार बच्चन साहब हमारी पहली फिल्म के नायक थे, नवाजुद्दीन भाई थे, विद्या बालन थी, सुजोय घोष उसके हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, तो वो पहली फिल्म हुई। उसके बाद हमने 5 बनाई जो लीना यादव ने डायरेक्ट करी और तनिष्ठा, सुरवीन और राधिका, जो कि आज बहुत बड़े जाने पहचाने चेहरे इंडस्ट्री के, इन्होंने उसमें काम किया। उसके बाद राजमा चावल जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अभी फिल्म चल रही है, जिसमें ऋषि जी और अनिरुद्ध तंवर, इन लोगों ने बहुत अच्छी सी अदायगी की है और बहुत अच्छा एप्रिसिएशन उसको मिला है। उसके बाद अभी एक फिल्म है बेहतर हुरे, जो कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में उसको यूनेस्को जो पीस मेडल है उसमें स्पेशल मेंशन मिला है हमको। और एक तुरंत अभी हमने फिल्म कंप्लीट की है लैला और सतगीत, जो कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन में जा रही है, जो 19 फरवरी से होने जा रहा है। और उसके बाद हम 2-3 बड़ी फिल्में बना रहे हैं, उसमें एक बहुत समय से हम काम कर रहे हैं, एक फिल्म है छाछेरो, जो कि महाराज भवानी सिंह, जो कि जयपुर के अंतिम महाराजा रहे, उन्होंने अपने जीवन में किस शौर्य से और किस तरीके से किया बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन छाछेरों के वो बहुत बड़े हीरो थे और उन्होंने भारत को 71 के युद्ध में विजय दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जीवन के ऊपर एक फिल्म बने, उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है, कुछ और फिल्में हैं जिनके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं और आगे
बढ़ा रहे हैं उसको। गुलाब जी आप 3 से शुरू किया, 5 पर पहुंचे, अब सीधा बेहतर पर बेहतर, हाँ बेहतर पे गए हैं, लेकिन उम्मीद करें कि 1008 तक जाएं। और राजस्थान से मेरा ये कि राजस्थान की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी जिसमें रोमांस भी है, जिनमें इमोशंस भी हैं, जिनमें शौर्यवीर भी, शूरवीरता भी है, उन सबको मैं धीरे धीरे इकट्ठा करके प्रयास कर रहा हूँ कि उन कहानियों को आगे लेके जाएं। और यहाँ पर जो लोकेशंस की बात करें, अब तो आधी फिल्में लगभग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ शूट होती है। बिल्कुल। और यह सरकार की ओर से फिल्म सिटी की बात कोई 2 दशक से पहले से चली आ रही है, लेकिन पूरी नहीं होती, शायद पॉलिटिकली एजेंडे में शामिल नहीं हो पाती। तो ये आप ये बताइए कि यहाँ मेकिंग इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, फिल्म सिटी बनाना और ये करना, इसमें क्या होता है कि सरकारी उसके ऊपर बहुत समय से ये चल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान बेहतरीन स्थान है। एक यहाँ पे लोकेशंस आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं, वो बहुत सभ्य हैं, बहुत सहयोग करते हैं, किसी तरह की कोई उदंडता नहीं करते, हर तरह से मदद करते हैं। अगर राजस्थान का हमारा, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन ये सब कुछ स्वीकार करते कि राजस्थान का जो आम जनमानस है वो बहुत ज़्यादा अपनत्व वाला है। आप कोई अनजान व्यक्ति भी किसी के घर के बाहर चला जाए तो उसकी मदद कर देता है। सोल्जर करके एक बार फिल्म जिसमें मेरा हेलीकॉप्टर गया हुआ था, उसकी वो शूटिंग कर रहे थे, एक जगह है करनी सर, राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे है। वहाँ पे शुरुआत में वो लोग कह रहे थे हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। मैं जाकर के अपना परिचय दिया कि भाई मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर उन्होंने लिया है, और राजस्थानी में उनसे बात की, उनको बताया। अगले दिन से उन लोगों ने एक पैसा नहीं लिया, वो पूरा गाँव फिल्म वालों की सहयोग के लिए खड़ा रहा। और जब फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कुछ देना चाहते, कहना हमको कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ पर एक मंदिर बना जाइए। तो वो वहाँ पे मंदिर बना के आए, जो आज भी वहाँ पे रामदेव जी महाराज का मंदिर वहाँ पे कर्णीसर में खड़ा हुआ है, सोल्जर फिल्म यूनिट की तरफ से, टिप्स वालों की तरफ से बनाया गया। तो ये ऐसी राजस्थान के लोगों की भावना है, और मैं समझता हूँ अगर सरकार सहयोग करे और सरकार इस बारे में आगे सोचे तो उसमें राजस्थान में बहुत सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल के आएगी, राजस्थान की चीज़ें आगे बढ़ेगी, और काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैं गुलाब सिंह, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सफल व्यवसायी हैं, इन्होंने कई अच्छी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और यहाँ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि राजस्थान में फिल्म मेकिंग और शूटिंग के लिए बहुत कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार को इसमें थोड़ा सा और गंभीरता से काम करना होगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर। City Live, a platform to sharing your thoughts.